नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। इस खबर के प्रायोजक हैं राम नारायण इलेक्ट्रिकल्स एंड बैटरी हाउस फिरोजाबाद। सभी प्रकार के बिजली के सामानों के विश्वसनीय विक्रेता। हमारे यहां बिजली के आइटमों की कुशलता पूर्वक मरम्मत भी की जाती है। मोबाइल नंबर 9719340911। गंगा मंदिर के सामने चंद्रवार गेट फिरोजाबाद। हेलो, ये गाड़ियाँ जो ये संकल्प लगा दो साल से चल रहा है, अगर हम किसी एक की भी जान बचा पाए तो हम लोग बहुत ही अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे। इस कार्यक्रम में आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। पुत्र पुत्रियों की कसम खाता हूँ, अपने हेलमेट लेने के बाद उसका मैं प्रतिदिन उपयोग करूँगा। धन्यवाद। तो सर, आप लोग के सामने आता है तो इनके बीच से जो गया ये उसकी स्मृति में आपके सामने आते हैं और खड़े होते हैं और दिखाते हैं कि यदि जाने वाला तो चला जाता है लेकिन जो उसके पीछे रह जाते हैं वो कितने दुखी होते हैं और उनके मन की भाव का नाम प्रदेश में रोशन करें कि हम यहाँ पर 100% जो है हेलमेट धारण करके चल रहे हैं। यहाँ पर बहुत क्योंकि कार्यक्रम बहुत है, बहुत ज्यादा न बोलते हुए सबसे पहले मैं आज के ऑर्गेनाइजर साहब से, वो स्पीड से मोटरसाइकिल लेके आ रहे थे और उनकी बाइक एकदम से रेलिंग से टकरा गई डिसबैलेंस होने से। अगर उनका हेलमेट होता तो उनकी जान बच जाती और उनको समय समझ आता, पर वो उस दुनिया में नहीं रहे। एक ऐसा प्रकरण मैंने अब देखा, अभी कुछ दिन पहले हमारे ही ओम क्लास में एक नीरज गोस्वामी महावीर किया है और आज ये हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की प्रेरणा से और आज के इस ऑर्गेनाइजर है श्री मित्तल साहब। आप लोग कितने कीमती हैं, अगर आप कोई लापरवाही बरतते हैं और आपकी जान जाती है तो जाने वाला तो चला जाता है, जो तो उसके पीछे रह जाते हैं वो तो कितने परेशान होते हैं और कितने दर्द और वेदना से गुजरते हैं, ये उस सिंबल को दिखाने के लिए कराया जा सकता है। इससे ज़्यादा अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि अपनों को खोने का गम केवल उसी परिवार को पता होता है जिसके परिवार में कोई घटना हुई होती है। आप तमाम तरीके से टीवी में देखते, राहुल तिवारी, राहुल तिवारी लाओ, आइए संजय, रामपाल, मोहम्मद अफजल, विनय, फिर अमित पचौरी, ऐशान। देखिए, आज हम लोगों ने सड़क सुरक्षा सप्ताह का एक शुरुआत किया है, जिसमें आज पहले दिन हम लोगों ने हेलमेट और सीट बेल्ट की जागरूकता का अभियान किया था। सुबह हम लोगों ने एक अभियान भी चलाया था कि जो लोग बिना हेलमेट के चल रहे हैं उनका फ़ोटो चालान करने का। उसी क्रम में जिन लोगों का फ़ोटो चालान किया गया उनको जागरूक करते हुए जन सहयोग के माध्यम से हेलमेट का वितरण भी किया गया है और लोगों में इस मैसेज को देने का प्रयास किया गया है कि हेलमेट सीट बेल्ट कितने आवश्यक हैं आपके स्वयं की और परिवार की खुशियों के लिए। इसके अतिरिक्त लोगों को ये जागरूक किया गया कि आगामी एक हफ्ता सप्ताह तक हम लोग इसी अभियान को चलाए रखेंगे। जनपद में फिलहाल हम लोग काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है हेलमेट पहनने को लेकर के और हम लोगों का प्रयास ये है कि 100% सभी लोग जो मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे हैं वो हेलमेट के प्रति जागरूक हों। जिस प्रकार से वो अपने घर से निकलते समय मोबाइल फ़ोन लेना नहीं भूलते, उसी प्रकार जब वो टू व्हीलर पर बैठे तो हेलमेट धारण करना और फोर व्हीलर पर सीट बेल्ट लगाना ना भूलें। सर, आज कितने लोगों को हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? इसमें आज हम लोगों ने लगभग 100 हेलमेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है जन सहयोग के माध्यम से। सर, प्राय देखा गया है कि समय समय पर आपके द्वारा कईयों बार हेलमेटों का वितरण किया गया है, लेकिन उसकी अगर जितनी तादाद में हेलमेट बटे हैं उससे ज़्यादा कम लोग वो लोग लगाते हुए दिखाई देखिए। हम लोग हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए बहुत ज़्यादा सख्त हैं,
और फ़ोटो चालान जब से हम लोगों ने शुरू किया है विगत 2 महीनों में हम लोगों ने 30,000 के आसपास फ़ोटो चालान कर दिए हैं। जनपद में सभी लोग इस चीज़ के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और आप स्वयं अगर रोड पे रेस्पॉन्स देखेंगे तो आपको हेलमेट पहने में बहुत अधिक संख्या में लोग दिखेंगे। तो ये प्रयास हम लोगों का रंग ला रहा है और हम लोगों का प्रयास को शत प्रतिशत पूरा करना है। सर, कई बार देखा गया है कि कुछ लोग और भी हैं जो स्टाफ से संबंधित है, वो हेलमेट नगर न लगा के चाहे वो हमारा स्टाफ क्यों। पुलिस विभाग में हम लोगों ने अभी तक 70-80 लोगों के चालान स्वयं किए हैं और सभी पुलिस थानों में, पुलिस कार्यालयों में, चाहे वो पुलिसकर्मी हो चाहे वो आमजन हो, नो हेलमेट नो एंट्री का रूल बिल्कुल सख्त है। अगर आप बिना हेलमेट लगा के ट्रेवल कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से फोटोग्राफ भी आते हैं और सभी पे हम लोग चालान कार्रवाई करते हैं। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।